नीचे आ जाओ बेटी, ऊपर आ जाओ मोटी। अभिनेत्री मनोरमा ने फिल्म सीता और गीता में चाची का यादगार रोल किया था। वो नेगेटिव किरदार में थी, लेकिन उनकी अदायगी ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। मनोरमा हो सकता है कि इस नाम से अपने से अधिकतर लोग वाकिफ ना हो, लेकिन इस चेहरे को आप जरूर अच्छी तरह से पहचानते होंगे। फिल्मों में इन्होंने कॉमेडी की और वैम्पिश किरदार भी निभाए। अपनी कमाल की स्क्रीन प्रेजेंस से मनोरमा ने ढेर सारी लोकप्रियता बटोरी। 6 दशकों तक हिंदी सिनेमा में काम करने वाली मनोरमा ने करियर की शुरुआत में बतौर हीरोइन की थी, लेकिन जब इनकी उम्र बढ़ी तो ये बन गई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक बेहद शानदार कैरेक्टर आर्टिस्ट। मनोरमा का जन्म हुआ था 16 अगस्त 1926 को लाहौर में। इनके पिता का नाम था आइजक डैनियल। लाहौर के एक इंजीनियर कॉलेज में प्रोफेसर थे और वो एक भारतीय ईसाई थे। मनोरमा की माँ आयरिश मूल की थी और इनका असली नाम एरिन ईसाक डैनियल्स था। एरिन अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। एरिन की पढ़ाई लिखाई लाहौर से ही हुई थी। पढ़ाई के साथ साथ एरिन ने क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग भी ली थी। इतना ही नहीं, एरिन के माता पिता ने इन्हें संगीत की शिक्षा भी दिलाई। इनकी उम्र जब 9 बरस थी, तभी इनकी किस्मत के कुछ ऐसा संयोग बना दिया था कि आगे चलकर ये फिल्मों में काम करें। हुआ कुछ यूं था कि एक दिन ये अपने स्कूल के फंक्शन में डांस कर रही थी। इत्तेफाक से उस दौर के दिग्गज फिल्म प्रोड्यूसर रूप के शौरी भी वहां मौजूद थे। रूप के शौरी को नन्ही मनोरमा का डांस बेहद पसंद आया था और वहीं पर उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि अपनी फिल्म में वो इसी बच्ची को जरूर लेंगे। ये रूप के शौरी ही थे जिन्होंने इनका नाम एरिन से बदलकर मनोरमा कर दिया। रूप के शौरी तो सोचते ही रह गए, लेकिन उन्हीं के अच्छे दोस्त और फिल्म प्रोड्यूसर दलसुख पंचोली ने एरिन को अपनी फिल्म खंजीसी में ले लिया। ये फिल्म साल 1941 में रिलीज हुई थी। इसके बाद उस दौर के एक बेहद मशहूर एक्टर चंद्रमोहन ने इन्हें कई और फिल्मों में काम दिलाया और मनोरमा ने कुछ फिल्में साइन कर ली, लेकिन ये फिल्में रिलीज नहीं हो पाई क्योंकि इन्हीं दिनों लाहौर में भारत की आज़ादी और विभाजन की चर्चाओं के चलते काफ़ी तनाव रहने लगा था। इसी बीच भारत को आज़ादी मिलने से पहले मनोरमा ने अभिनेता राजन अक्सर से प्रेम विवाह भी कर लिया था, लेकिन उनकी शादी कुछ ही महीनों के बाद देश का विभाजन हो गया और मनोरमा और उनके पति राजन अक्सर लाहौर छोड़कर मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद पति बन गए प्रोड्यूसर और एक्टर और इनके पति ने भी कई फिल्मों में कुछ विलन्स के किरदार निभाए थे। वहीं मनोरमा को थोड़े से संघर्ष के बाद लच्छी नाम की एक पंजाबी फिल्म में काम मिला था। साल 1949 में रिलीज हुई ये बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इसके बाद तो मनोरमा के पास फिल्मों की कभी भी कमी नहीं रही। मनोरमा ने फिल्मों में ज्यादातर कॉमिक और वैम्पिश किरदार निभाए। इसकी वजह थी इनके वजन का अचानक बढ़ जाना। हालांकि साल 1948 में इन्होंने घर की इज्जत नाम की एक फिल्म में दिलीप कुमार की बहन का किरदार निभाया था। उस समय तक इनका वजन नहीं बढ़ा था। अपने फिल्मी करियर में मनोरमा ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है। इन्होंने परिणीता, चाचा जिंदाबाद, गोकुल का चोर, फैशनेबल वाइफ, रिपोर्टर राजू, हाफ टिकट, मुझे जीने दो, नीला आकाश, 10 लाख, नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारे, मेरे हुजूर, दो कलियां, एक फूल दो माली, पवित्र पापी, बॉम्बे टू गोवा, जोहर मोहम्मद इन हांगकांग, ग्लैमरल, बनारसी बाबू, नया दिन नई रात, लफंगे, हीरा और पत्थर, लावारिस, कातिलों के कातिल, धर्म काटा और हादसा जैसी लगभग 160 से भी ज्यादा हिंदी और पंजाबी फिल्मों में काम किया था। इनकी आखिरी फिल्म थी साल 2005 में रिलीज हुई दीपा मेहता की फिल्म वोटर, जिसमें इनके किरदार मधुमती को बेहद पसंद किया गया था और हॉलीवुड के क्रिटिक्स ने इनके किरदार की काफी तारीफ की थी। मधुमती के लिए दीपा मेहता की पहली और आखिरी चॉइस मनोरमा ही थी। वाटर फिल्म का कुछ हिस्सा वाराणसी में शूट किया गया था। इसके बाद किन्हीं कारणों से फिल्म की शूटिंग रुक गई। फिर 5 सालों बाद दीपा मेहता ने जब वाटर की शूटिंग फिर से शुरू की, तब तक फिल्म की पूरी स्टार कास्ट बदल चुकी थी, लेकिन मधुमती के किरदार में दीपा मेहता ने उस वक्त भी मनोरमा को ही लिया था और वाटर की दोबारा शूटिंग होने के बाद भी ये रोल सिर्फ मनोरमा को ही दिया गया। मनोरमा के फिल्मी करियर का सबसे दमदार और यादगार रोल माना जाता है फिल्म सीता और गीता में इनके द्वारा निभाया गया कौशल्या चाची का किरदार। इस किरदार से मनोरमा भारत के घर घर में पहचानी जाने लगी थी। लोग इनसे नफरत तो जरूर करते थे, लेकिन इनको काम को भी बेहद पसंद करते थे। मनोरमा अक्सर अपने से जूनियर लड़कियों से कहा करती थी कि अक्सर ऐसा होता है कि बड़े स्टार्स के सामने फीमेल कैरेक्टर आर्टिस्ट को लोग नोटिस नहीं करते।
इसलिए जब भी कोई सीन शूट करो तो खूब एक्सप्रेशन दो, खूब हरकतें करो, जमकर मटको, ताकि लोग हीरो या हीरोइन के साथ साथ तुम्हें भी बड़े ध्यान से देखें और तुम्हारा चेहरा उन्हें याद रह जाए। मनोरमा खुद भी इस तकनीक का सहारा लेती थी और कहती थी कि उनकी फेवरेट फिल्म भी सीता और गीता ही है, क्योंकि इस फिल्म में उन्होंने वो सारे हथकंडे अपनाए थे जो वो अब नई नई लड़कियों को बताती हैं। बात करें अगर मनोरमा जी की निजी जिंदगी के बारे में, तो हम आपको ये बता ही दें कि उन्होंने अभिनेता और प्रोड्यूसर राजन हक्सर से शादी की थी। लेकिन अभी आपको ये नहीं मालूम होगा कि राजन हक्सर से इनकी शादी टूट गई थी। जी हाँ, अक्सर तलाक से लेकर अलग हो गए थे, हालांकि इन दोनों की दोस्ती फिर भी बरकरार रही। राजन हक्सर से इनको एक बेटी हुई थी जिसका नाम है रीता हक्सर, और वो अभिनेत्री रह चुकी हैं। उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में काम किया है, जैसे कि पंडित और पठान व प्रियतम। रीता अक्सर को थोड़ी बहुत सुर्खियां तब मिली थी जब वो नजर आई थी साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म सूरज और चंदा में, जिसमें उनके हीरो थे महान अभिनेता संजीव कुमार। इसके बाद रीता अक्सर ने कुछ और फिल्मों में काम किया, लेकिन जब फिल्मों में रीता अक्सर को सफलता नहीं मिली तो उन्होंने एक इंजीनियर से शादी कर ली और ये अपने पति के साथ गल्फ में शिफ्ट हो गई। मनोरमा की जिंदगी में एक ऐसा भी दौर आया था जब ये मुंबई छोड़कर दिल्ली रहने आ गई थी। दिल्ली आकर इन्होंने टीवी सीरियल्स में काम करना शुरू कर दिया था। ये नजर आई दूरदर्शन के शो दस्तक में, जिसमें शाहरुख खान भी नजर आए थे। इसके अलावा इन्होंने एकता कपूर के बालाजी टेलीफिल्म्स के शो कुश्ती में भी काम किया और कुंडली में भी काम किया था। वही कुटुंब नाम के लोकप्रिय टीवी शो में इन्होंने हितेन तेजवानी की दादी माँ का किरदार निभाया था। लगभग 5 साल दिल्ली में गुजारने के बाद मनोरमा वापस मुंबई लौट आई थी। मनोरमा जी की जिंदगी के आखिरी साल बड़ी मुश्किलों से गुजरे थे। पति से इनका तलाक तो सालों पहले ही हो चुका था और बेटी भी कई सालों पहले शादी करके अपने पति के साथ विदेश में रह रही थी। ये अपने घर में अकेली रहती थी। फिल्म वाटर के रिलीज होने के बाद यानी साल 2007 में अचानक इनकी तबीयत बेहद खराब हो गई। दरअसल इन्हें अचानक एक स्ट्रोक आया था और उस स्ट्रोक का असर इनके चेहरे पर और इनकी जुबान पर हुआ। मनोरमा बोलने से लाचार हो गई। ये बोलना तो चाहती थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। लगभग 1 साल तक तो उनकी हालत ऐसी ही रही। फिर 15 फरवरी 2008 को इसी हालत में मनोरमा ने 81 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। जिस वक्त इनकी मौत हुई थी उस वक्त इनके घर पर कोई भी नहीं था। एक नौकर था जिसे इनकी मौत का आभास अगले दिन हुआ। बॉलीवुड में मनोरमा को इस कदर भुला दिया था कि इनका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इनके आखिरी सफ़र में एक भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी शरीक नहीं हुआ था। और इस तरह कभी बॉलीवुड में आसमान में किसी चमकदार सितारे की तरह चमचमाने वाली मनोरमा गुमनामी के अंधेरों में डूब गई। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।